बिहार में पिछले कुछ सप्ताह से बारिश नहीं होने की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए थे। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। उन्हें चिंता सताने लगी थी कि बारिश अगर नहीं हुई तो खेती बाड़ी का काम कैसे आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ तेज धूप और उमस भरी गर्मी से आम लोग बेहाल थे। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुरूप 20 जुलाई से बिहार के कई हिस्से में बारिश हुई है। सामान्य से तेज हवा के साथ बारिश होने के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं बता दें कि IMD की ओर से जारी ताजा मौसम पूर्वानुमान में बिहार में फिलहाल अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन उसके बाद बारिश की रफ्तार कम हो गई थी। वहीं अब मानसून के रफ्तार में फिर से तेजी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान में 23 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट खासकर खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए भारी राहत की खबर है। मॉनसून के समय में बिहार में धान की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। बता दें कि धान की अधिकांश खेती वर्षा जल पर निर्भर होता है। ऐसे में बरसात के मौसम में अच्छी बारिश ना होने से खेती बाड़ी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। बिहार में मॉनसून के कमजोर होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से दक्षिण पश्चिम मॉनसून के जोर पकड़ने की संभावना जताई गई है। बिहार में कुल मिलाकर अभी तक औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बता दें कि मॉनसून के मजबूत रहने से अब आने वाले समय में इसकी भरपाई संभव हो सकेगी। पिछले दो दिनों से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने से बिहार के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे आम लोगों ने राहत की काफी सांस ली है। पिछले कुछ सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण मौसम शुष्क हो गया था, साथ ही आर्द्रता बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा था। वहीं बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है, जिससे पारा लुढ़का है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, पर एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।